दिव्यांग मतदाताओं को पोलिंग स्टेशनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी जिला अधिकारी के विजयन पांडेन की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। बैठक में स्वीप अभियान के प्रभारी व एडीएम सहजनवा सुरनीत कौर, एसडीएम सदर प्रथमेश कुमार, जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी मीनू सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी सप्तऋषि सहित सभी एसडीएम और समाजसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस मौके पर डीएम ने कहा कि कोई भी दिव्यांग पात्र मतदाता मतदान से वंचित न हो, दिव्यांग मतदाताओं को मतदान के लिए बूथों पर आने जाने की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि बीएलओ के माध्यम से बूथवार मैपिंग करा ली जाए और आवश्यकता अनुसार दिव्यांगों को सुविधा मुहैया कराई जाए। उन्होंने कहा कि सभी एसडीएम तहसीलवार बैठक कर यह सुनिश्चित करें कि जिन दिव्यांग का नाम मतदाता सूची में ना हो उन्हें मतदाता सूची में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी के माध्यम से दिव्यांगों को मतदान के लिए निमंत्रण पत्र अपील बीएलओ के माध्यम से उनके घर भेजी जाएगी, जिससे अधिक से अधिक दिव्यांग मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। कौन सी है ये? आप बताइए। समाज कल्याण। अच्छा, चरगाँव का। चरगाँव का। हेलो, यहाँ से। अच्छा, आप सुनिधि समाज कल्याण से सरदार नाम का अधिकारी बोराबा पीछे आपको भी क्या है? आप सर ये बोला बजा बोला बजा जी सर क्या एजेंडा है, कैसे पहला सबसे पहला ये होगा कि एसडीएम कर लोग बीएलओ के साथ इनका इंट्रोडक्शन करा दें ताकि मैपिंग का सर हम लोग को आसानी हो, और उसके साथ ही मैपिंग के साथ ही जो लोगों को होता है डिसेबिलिटी जो बिल्कुल जिनको लाने के लिए कोई भी ना हो घर पे सर, उनका अक्षर जो हमारे ब्लाइंड है सर उनका भी मतदाता पर्ची बनना है सर, उसमें भी इनका सहयोग लिया जाना है। तो पूरा मैपिंग ओवरऑल पीडब्ल्यूडी का एनजीओ जो है वो एसडीएम सर लोग के साथ मिलके बीएलओ के साथ भी उनका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, उनके रजिस्टर से सारे डिसेबल टाइप के लोग होंगे उनका सारा नाम लिख के, उसके अलावा भी जो पेंशनर नहीं है उनकी भी सूची वो तैयार करेंगे ताकि उनको अगर उनको पेंशन चाहिए तो भविष्य में फिर हम लोग उनको ले सकें, और जिनको नहीं चाहिए तो वो कम से कम हमारे मतदाता सूची में शामिल हो जाएंगे सर। जब तक मिल ना जाए तब तक आप उनको मॉनिटर करते रहेंगे। ठीक है, आपके लिए जो इलेक्शन कमीशन ने रैंक की व्यवस्था के लिए कहा है वहाँ सारा उनका व्हीलचेयर मतदान केंद्र वाइज व्हीलचेयर रहेगा, वहाँ पे सहायता लगाई जाएंगी। ये लोग भी कुछ नंबर देंगे सर, लोग से बात हुई है फिर लोगों ने कहा कि हम घर पर देंगे, तो शहर में सर इसकी समस्या थी तो इसको हम लोग शहर में कंसनट्रेट कर लेंगे घर पर सर। और बस ट्रांसपोर्टेशन वाला आप लोग जो फैमिली मेंबर नहीं लाने लायक होगा उन्हीं का केवल नाम आप लोग देंगे, ये नहीं कि सबका उठा के आप लोग देने वाले तो फिर कहाँ तो इतना हम लोग सप्लाई नहीं कर पाएंगे इसका। डिस्ट्रिक्ट आईकॉन के रूप में लोग
उनका परिवार है तो मुझे कैसे बताना है कोई लिया करके पहले बता देना कौन कौन जो है ये क्या प्रक्रिया है कैसे मिलने वाला है कहीं इन लोगों के लिए स्पेशल कैंप भी लगाना हम लगा देंगे उन लोगों का मतलब एडमिशन उन लोगों के सामने पेश करके हम लोग उनसे सिखा देंगे तो आप लोग कहाँ कहाँ जाते हो यदि आप इकट्ठा करोगे हम पूरा टीम आ जाएगा पूरा आपको 4-5 घंटे पूरा इसको यार एक अभियान आप लोग इसलिए तो आपसे कह रहा हूँ आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे आप उसके लिए बी एस से आपके इग्नोरेंट टीचर्स चले तो होते होंगे वो तो माइनर बच्चे क्या तो होते हैं मान लो 18 को ऊपर भी कोई बच्चे बोल जाता तो उसको कोई आंकड़ा है उनके पास ये तो हमारे बच्चे हैं हमारे बच्चे के लिए 18 को बच्चे के लिए पढ़े लोग क्या
एक भी वोटर का जोड़ना नहीं, इसमें बहुत मेजर जो भूमिका है जो दिव्यांग जनता है उन लोगों को हम किसी भी सूरत में जोड़ नहीं सकते। और आगे बढ़ते जो किसको वोटर नहीं बनाया जा रहा है फॉर्म चाहिए आप चाहिए तो आप लोग भी ले लें भरा करके तुरंत वहाँ संबंधित बी एल ओ को जमा करें। हम लोग तो उनको तो 100% तो उन लोगों का नाम तो जुड़वा ही जुड़वा है, किसी का नाम रह रहे हैं तो बी एल ओ का भी होगा। मैं और कोई सुझाव है आप लोगों को तो बता दूँ, हम लोगों को एक्टिवेट कराए लोगों के पास अभी फिलहाल वक्त एक महीने समय है, नहीं हम लोगों के पास एक महीने समय है इतना किसी को कोई भी योजना बनाना है तो बना सकते हैं, बट वोटर बढ़ाना वो तो केवल 29 तक बढ़ा सकते हैं हम लोग किसी को, उसका समय हम लोग के पास नहीं है। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन तक तो किसी का शामिल कर सकते उसी को तो अभी तो तेजी से करना होगा, बाकी इतने जागरूकता अभियान तो चलता रहेगा हमारा चुनाव का जो 48 घंटे पहले तक चुनाव समाप्ति का 48 घंटे पहले तक हमारा प्रचार प्रसार उन लोगों का सुविधा बढ़ाना जो भी चीज़ है वो हम लोग करते हैं। तो किसी भी चीज़ लेके आए उसे चल जाएगा, हम लोग नहीं है इस बार वोटर पर्ची से ले आकर के केवल वोट नहीं दे सकते, वोटर पर्ची केवल आपको सुविधा बढ़ाने के लिए केवल सुविधा के लिए केवल पिछले चुनाव में केवल वोटर पर्ची से ले आकर के वोट डाल सकते थे, इस बार इलेक्शन कमीशन बना कर दिया उसमें मिसयूज हो गया, इसलिए वोटर पर्ची हम घर में पहुंचा देंगे उससे तो वो पहचान लेगा तो ठीक है मेरा फोटो है मेरा वोट है किस पार्ट में किस बूथ में वो उतने तो एक डॉक्यूमेंट हो गया, उसके अलावा एक अतिरिक्त एक डॉक्यूमेंट उनको लेके जाना हो तो 12 विकल्प है हम हर बूथ में लगा देते हैं आपको भी दे देते हैं हमको, उससे वोटर कार्ड मिलना ना मिलना से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका नाम सूची पे होना चाहिए इलेक्ट्रल लिस्ट पे इलेक्ट्रल रोल में आपका नाम है फिर आप आराम से जाके वोट दे सकते हैं, उससे कोई रोकेगा नहीं। एपी कार्ड तो आगे पीछे बन के आता है बल्क में बनता है वो चेन्नई से बनता है दूर से बन के आता है, इस समय में चुनाव नज़दीक आ गया अभी मिलेगा नहीं चुनाव के बाद मिलेगा, हम बांट देंगे तब भी आता तो बढ़ते जाएंगे। उनके क्या है तकलीफ क्या है क्यों नहीं आ रहा है क्यों नहीं दे रहा है वोट देने में क्या क्या प्रॉब्लम है फिर वहाँ बढ़िया यदि तो आप सुविधा बढ़ाने तो कैंप भी लगा दो वहाँ बढ़िया से, यदि कितने लोग वोटर नहीं बनाया है बनाना चाहते तो फटाफट फॉर्म चेयर बना दें उसको जमा कर दें हम लोग उसका ऐप को कर ही लेते हैं। एक संदेश एक निमंत्रण पत्र टाइप का मेरा माध्यम से मैं बनवा लेता हूँ बी एल ओ माध्यम से उन लोग को बंटवा देता हूँ। See you.